दोस्तों, निफ्टी ने पिछले 1-1.5 हफ्ते में अच्छा खासा उछाल दिखाया है। 15,800 के बाद अभी 16,600 के आसपास निफ्टी आ चुका है। तो पिछले 1-1.5 हफ्ते में 800 पॉइंट्स का उछाल निफ्टी इंडेक्स ने दिखाया है और बहुत सारे लोग अब ऐसा मानने लगे थे फिर से कि निफ्टी जो है वो फिर से 18,000 19,000 के आसपास जा सकता है। लेकिन दूसरी जगह ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी ये मानते कि जो स्टॉक मार्केट है वो अभी इकोनॉमी को बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। जो स्टॉक मार्केट है और जो इकोनॉमी है वो बहुत अलग अलग चल रही है, और ये जो बढ़त अभी मार्केट में देखने को मिल रही है ये सिर्फ एक बेयर मार्केट में जो एक उछाल आता है थोड़ा थोड़ा करके वो अभी ये है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगी। अगर हम इकोनॉमी वाइज यहाँ पर बात करते हैं तो JP Morgan का ऐसा मानना है कि अभी एक बहुत बड़ा ह्यूरिकेन आने वाला है इकोनॉमिक। अब ये ह्यूरिकेन कितना बड़ा होगा और कितना छोटा होगा वो उनको नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट का हाइक होगा वैसे वैसे जो ग्रोथ है वो कम होगी। और यही मानना है एक बहुत बड़े ग्लोबल इकोनॉमिस्ट मिस्टर एल एरन का। यहां पर इनकी स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो इनका भी ये मानना है कि अगले एक साल में आप ये देखेंगे कि स्टैगफ्लेशन यहां पर मार्केट में आ जाएगी। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा और इन्फ्लेशन के साथ साथ ग्रोथ नहीं होगी। सो उस सिचुएशन को आप स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं और ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज होती है। और स्टैगफ्लेशन की वजह से ही कई बार जो कंट्रीज हैं वो रिसेशन में चली जाती हैं। और आज ही एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है एलन मस्क की, जो टेस्ला के फाउंडर हैं, उनका ये कहना है कि अब इकोनॉमी को देखते हुए उनको अपनी 10% जो इंप्लॉयज हैं उनको ले ऑफ करना पड़ सकता है। तो ये अपने आप में इकोनॉमी की कंडीशन को बता रहा है। अगर इंप्लॉयज निकलेंगे, अगर यहां पर इतने ज्यादा ले ऑफ होंगे तो उसके बाद होगा क्या, इकोनॉमी का GDP कम होगी, क्योंकि जब लोगों के पास नौकरियां ही नहीं होंगी तो वो खरीदेंगे क्या, वो खाएंगे क्या। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उनका धीरे धीरे जो परचेजिंग पावर है वो और ज्यादा कम होने लगेगी। तो काफी सारे लोगों का ये मानना था कि अब मेरे पास काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप तो बोल रहे थे कि इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, स्लो ग्रोथ होने वाली है और यहां पर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। तो देखिए, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट का अभी ऐसा रिलेशन नहीं चल रहा है कि इकोनॉमी अच्छी होगी तो ही स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर इकोनॉमी के हिसाब से स्टॉक मार्केट को अगर आप देखेंगे तो अभी भी एक बहुत बड़ा डाउनसाइड आ सकता है स्टॉक मार्केट में, उस चीज का आपको ख्याल रखना है। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि कोई ये चीज नहीं बता सकता कि स्टॉक मार्केट में कितनी गिरावट आएगी। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जैसे मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, JP Morgan ने इंडिया का जो निफ्टी इंडेक्स है उसका टारगेट 14,500 के आसपास दिया। उनका ये मानना है 14,500 तक निफ्टी इंडेक्स अभी गिर सकता है। दूसरी चीज, इंडिया में अगर आप बात करेंगे बहुत ज्यादा लेऑफ्स स्टार्टअप्स में देखने को मिल रहे हैं। मैंने आपको ये चीज पहले भी एक बार ही बताई थी, 8,000 से ज्यादा लोगों को निकाल दिया है ऑलरेडी स्टार्टअप्स ने, अलग अलग स्टार्टअप्स ने, और फंडिंग जो है स्टार्टअप्स की वो भी धीरे धीरे कम होने लगी है। और आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में दोस्तों ये चीज और ज्यादा होगी। ये चीज आप याद रखिए, ये साल जो 2022 का है, मैं पिछले 6 महीने से आपको ये चीज बोल रहा हूं कि जो 2022 का साल रहने वाला है ये टफ रहने वाला है। आप स्टॉक मार्केट की मूवमेंट को देखकर ये नहीं बोल सकते हो कि इकॉनमी अच्छी हो रही है, क्योंकि आने वाले 6-8 महीने चाहे इंडियन इकॉनमी हो चाहे यूएस की इकॉनमी हो, थोड़ा कंपैरेटिवली टफ रहेगा। ये चीज अभी से देखने को मिल रही है। स्टार्टअप्स जो हैं वहां पर बहुत ज्यादा लेऑफ्स हो रहे हैं ऑलरेडी। और उसके अलावा अगर आप बाहर भी देखेंगे, इंडिया के बाहर यूएस में, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आज एलन मस्क ने ये बोला है कि टेस्ला जैसी एक जब बड़ी कंपनी लेऑफ्स करने पे आ जाए तो आप सोच सकते हैं कि उस वक्त इकोनॉमी की कंडीशन कैसी हो सकती है। और हमने पहले देखा है 2000-2008 में काफ़ी सारे लोगों का अब सवाल आता था कि क्या अब ऐसा हो सकता है कि जो 2000-2008 में ऐसा मार्केट गिरी थी और लंबे टाइम तक रिकवर नहीं हुई थी, क्या ये अभी भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि 2000 में जब मार्केट गिरी थी तो कम से कम 4-5 साल मार्केट को लग गए थे रिकवर होने में, और 2008 में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी 4-5 साल लग गए थे रिकवर होने में। 2000 की मैंने पूरी आपको कहानी बताई थी, 2000 के कैसे स्टॉक मार्केट क्रैश आया था। अगर आप मुझे बोलेंगे 2008 की स्टॉक मार्केट क्रैश पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब दोस्तों बात आती है कि क्या स्टॉक मार्केट उतना ज्यादा करेक्ट हो सकता है जितना 2000-2008 में हुआ था। तो उसके लिए आपको अब एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब 2020 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी तो उस टाइप में गवर्नमेंट ने क्या किया था।
गवर्नमेंट्स ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसीज थी उनको बहुत ज़्यादा ईज कर दिया था वहाँ पर, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में एक लंबा उछाल देखने को मिला था। और मुझे लगता है कि अब एक कॉमन मैन का भी ये थिंकिंग हो गया है कि इकॉनमी को अगर उन्हें जज करना है तो वो स्टॉक मार्केट को देखते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर है नीचे है। अगर स्टॉक मार्केट नीचे होता है तो लोग कहते हैं इकॉनमी खराब है, स्टॉक मार्केट ऊपर जाने लगता है तो कई लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि इकॉनमी बहुत अच्छी हो गई है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट्स को समझ आ चुकी है, तो गवर्नमेंट अब स्टॉक मार्केट को उस लेवल पे नीचे नहीं आने देगी कि स्टॉक मार्केट, क्योंकि अगर यहां से 40-50% करेक्ट हो जाएगी तो लोगों को लगने लगेगा सरकार काम नहीं कर रही है, स्टॉक मार्केट गिर रही है। हालांकि इकॉनमी बहुत ज्यादा ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन में है, लेकिन स्टॉक मार्केट जब तक नहीं गिरती है तो एक जनरल कॉमन मैन की जो थिंकिंग है, एक मिडिल क्लास की जो थिंकिंग अब बन चुकी है, वो ये बन चुकी है कि स्टॉक मार्केट अच्छा कर रही है तो यानी इकॉनमी अच्छा कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट्स को अक्रॉस वर्ल्ड समझ आ चुका है कि अगर स्टॉक मार्केट अच्छा करेगी तो लोगों को यही लगेगा कि जो इकॉनमी है वो भी अच्छा कर रही है। तो एक बहुत बड़ा क्रैश यहां से 40-50% का इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि सरकारें अपना दोबारा से मॉनेटरी की पॉलिसीज को ईज कर देगी अगर स्टॉक मार्केट गिरने लगेगी, और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट फिर से अच्छा उछाल दिखाएगी। तो वो चीज आउट ऑफ क्वेश्चन है कि मार्केट 10,000-11,000 यहां से जा सकती है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या ये जो उछाल मार्केट में आया, अब यहां से क्या सीधा मार्केट 18,000-19,000 के आसपास जाएगी? तो उसके लिए दोस्तों एक बार ही मैं आपको दिखाता हूं कि निफ्टी 50 इंडेक्स के चार्ट में आपको दिखाता हूं 2008 का जब मार्केट गिरी थी तो क्या पैटर्न था मार्केट गिरने का, और उसको हम कंपेयर करेंगे जो अभी मार्केट गिर रही है उससे। तो एक बार ही देख लेते हैं। अब दोस्तों देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि 2008 में जब क्रैश आया था उसके हम निफ्टी 50 इंडेक्स के चार्ट को एक बार ही देख रहे हैं, जिससे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब क्रैश आता है तो ऐसा नहीं होता कि एक बारी मार्केट एक बारी में ही सारा नीचे गिर जाती है और उसके बाद ऊपर जाने लगती है। तो आप अगर यहां पर देखेंगे दिसंबर 2007 में 6,274 के आसपास निफ्टी हुआ करती थी, फिर यहां पर एक मेजर क्रैश आपको देखने को मिला और 3 महीने बाद 4,500 के आसपास निफ्टी यहां पर आ गई थी। तो मुझे लगता है कि यहां पर इस टाइम पे लोगों को लगा होगा कि बॉटम बन गया है और उसके बाद निफ्टी 5,200 के आसपास यहां पर चली गई। तो बहुत सारे लोग स्पेशली जो उस टाइम पे भी रिटेल इन्वेस्टर होंगे वो उस टाइम पे परचेज करना शुरू कर दिया होगा, लेकिन यहां पर मार्केट नहीं रुकी और एक मेजर क्रैश फिर से देखने को मिला, 4,000 पे चला गया। फिर मार्केट थोड़े टाइम के लिए ऊपर आई, 4,500 का पॉइंट्स का ऊपर उछाल गया, लगभग 10% मार्केट ऊपर गई और उसके बाद आप देखिए क्या फॉल आया, सीधा 4,500 से यहां पर 2,500 के आसपास मार्केट आ गई अक्टूबर 2008 में। और उसके बाद अक्टूबर 2008 से लेकर मार्च 2009 लगभग 5 महीने तक मार्केट इसी फेज में यहां पर ट्रेड करती रही। यहां पर आप देखेंगे दिसंबर 2007 में ये सिलसिला मार्केट करेक्शन का शुरू हुआ था, जो कि लगभग आप देखिए मार्च 2009 यानी कि सवा साल तक यहां पर मार्केट में उतार चढ़ाव के साथ साथ करेक्शन आती रही और अल्टीमेटली सवा साल बाद मार्केट का बॉटम यहां पर बना है। अब हम चलते हैं अभी रीसेंट के चार्ट्स मार्केट के देखते हैं। तो मैंने यहां पर फेब 2021 से अभी तक का चार्ट, लगभग 1.5 साल का चार्ट यहां पर खोला है। तो यहां पर क्या हुआ था, 18 अक्टूबर को लगभग हमारी मार्केट ने ऑल टाइम हाई अपना बनाया था 18,600-18,500 के आसपास, उस वक्त मार्केट यहां पर गई थी। उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन आई और 16,600 के पास आ गया, फिर मार्केट जनवरी में 18,000 के पास गया। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो 18,000 पे अक्टूबर के टाइम पे नहीं इन्वेस्ट किया था, उन्होंने जनवरी 2022 में ये सोच के इन्वेस्ट किया कि अब मार्केट अच्छी हो गई है, अब यहाँ पर इन्वेस्ट करना हम शुरू कर देते हैं। तो मार्केट ने फिर एक लंबा यहाँ पर गिरावट दिखाई और 15,800 के आसपास स्टॉक मार्केट यहाँ पर आ गई। और उसके बाद फिर आप देखेंगे फिर 18,000 के आसपास मार्केट गई, अब फिर मार्केट यहां पर 15,800 के पास दोबारा से आ गई है। तो अगर आप देखेंगे 18,600 से लेकर 15,800 का एक ट्रेडिंग जोन मार्केट ने यहां पर पकड़ा हुआ है, 16 से 18 के बीच में मार्केट यहां पर लगातार ट्रेडिंग करती हुई दिख रही है। अब यहां पर यह कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि क्या मार्केट ये 15,800 का जो बॉटम था वो मार्केट ने बना लिया है या नहीं बनाया है, क्योंकि अभी भी अगर आप इकोनॉमिक कंडीशंस देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और आने वाले 6 महीने साल भर थोड़ा और ज्यादा टफ यहां पर इकोनॉमिकली हो सकते हैं और स्टॉक मार्केट इसको अभी भी पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। तो दोस्तों इस चार्ट को देख के हमें एक चीज समझ आ गई है कि स्टॉक मार्केट जब करेक्ट होती है या फिर जब
पूरी तरह से क्रैश होती है तो ऐसा नहीं होता कि एक बारी में सारी मार्केट नीचे आ जाए और या फिर 6-8 महीने में मार्केट की करेक्शन पूरी हो जाए। मार्केट की जो करेक्शन है वो लंबे टाइम तक भी चल सकती है, 1-1.5-2 साल तक भी यहाँ पर चल सकती है। और अगर आप देखेंगे पिछले 7-8 महीने से लगातार जो मार्केट है वो एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, और एक साल में अगर आप आज निफ्टी की रिटर्न्स उठा के देखेंगे तो सिर्फ 6% की रिटर्न निफ्टी ने पिछले एक साल में दी है। अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्सेस की रिटर्न देख लेंगे, मिड कैप की देख लेंगे, तो वहां कहीं तो नेगेटिव रिटर्न्स भी है और कभी कहीं 4-5% की रिटर्न एक साल में स्टॉक मार्केट के जो मेजर इंडेक्सेस है वहां पर आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली मार्केट अगर बहुत ज्यादा क्रैश भी नहीं हो रहा है तो एक इवेंचुअल टाइम करेक्शन मार्केट में देखने को मिलती है। दो टाइप से करेक्शन कभी भी मार्केट में होती है, एक तो हम देखते हैं कि अचानक से मार्केट 5-10% नीचे गिर जाता है, और दूसरा होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 1-2 साल स्टेग्नेंट हो जाती है मार्केट और वहां पर कोई भी रिटर्न स्टॉक इन्वेस्टर्स को नहीं मिलती है, और जैसे ही कंपनीज की जो अर्निंग है वो अच्छी होने लगती है तो इवेंचुअली वहां पर करेक्शन आ जाती है। यही चीज हमने स्टॉक मार्केट में 2018-19 के पीरियड में देखा था जब मार्केट एक लिमिटेड रेंज में पिछले 1-2 साल तक ट्रेड किया था, तो वही चीज अब यहां पर स्टॉक मार्केट में इस वक्त हो रही है। आपको यहां पर कभी भी गलतफहमी में नहीं रहना है कि स्टॉक मार्केट 20,000 यहां तक चली जाएगी या 21,000 चली जाएगी या फिर स्टॉक मार्केट ने बॉटम बना लिया। इन दोनों ही चीजों में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक मार्केट में यह नहीं बता सकता कि स्टॉक मार्केट ने बॉटम कब बनाया है। पहले कितनी ही करेक्शन आई है, कितने ही क्रैश आए हैं, कोई कभी नहीं बता पाया कि स्टॉक मार्केट ने कब बॉटम बनाया है, और अभी भी कोई नहीं बता सकता कि स्टॉक मार्केट ने कब बॉटम बनाया है या स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। हम लोग एज ए इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें इस स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको हमेशा से ये चीज बोलते हुए आ रहा हूं पिछले 6 महीने से एटलीस्ट कि 2022 काफी टफ रहने वाला है स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इस स्टॉक मार्केट में आपको प्लान करके इन्वेस्ट करना है। जब मार्केट ऊपर जाए तो आप कुछ मत करिए, जब मार्केट 8-10% करेक्ट हो या 500 पॉइंट 1000 पॉइंट करेक्ट हो तब आप उस टाइम पे कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। एक सम ऑफ मनी आप अलग रख दीजिए, डेट फंड में डालकर छोड़ दीजिए, क्योंकि डेट फंड में भी अब धीरे धीरे अच्छी रिटर्न्स आपको मिलने लगेगी। डेट फंड में डालकर छोड़ दीजिए, अगर मार्केट सही में 14,500 जैसे कि जेपी मॉर्गन का कहना है या 14,000 तक आती है, उस टाइम पे आप वो पैसा अपना डिप्लॉय कर सके, ताकि आप वो जो डेट फंड है उसमें आप एक अच्छी रिटर्न्स भी कमा सकें, और अगर यहां पर मार्केट में करेक्शन आती है तो उस वक्त आप अपना पैसा यहां पर लगा भी सकें। इसके अलावा आपको स्टॉक मार्केट के अलावा भी 1-2 जगह एसेट एलोकेशन करना जरूरी है। अगर आपको 2022 में 2023 में अपनी इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स अपनी कमानी है, अगर आप बोलेंगे तो मैंने ऐसी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिन एसेट क्लासेस में आप इन्वेस्ट करके एक अच्छी इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स बना सकते हैं, तो वो चीज पे हम लोग सेपरेट बात कर लेंगे। लेकिन आपको प्लानिंग ऐसे ही करनी पड़ेगी जिससे आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। क्या आपको यहां पर सेल करके चले जाना चाहिए, तो बिल्कुल सेल करने का मतलब ही नहीं बनता। मेरे पास इतने सारे लोगों के कॉल आते थे जो 2020 में बोलते थे हमने सेल कर दिया इस उम्मीद में कि मार्केट और ज्यादा करेक्ट होगी, लेकिन मार्केट करेक्ट नहीं हुई, क्योंकि अगेन दोस्तों कोई भी नहीं बता सकता है कि ये जो स्टॉक मार्केट का बबल है वो कब तक चलने वाला है, कब तक ये बॉटम बनेगा, कब तक ऊपर जाएगी मार्केट। तो आपको एक स्टेबल अपनी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अच्छी गुड क्वालिटी कंपनीज में 2022-23 में इन्वेस्ट करना है। हमने देखा है कि इस बारी इस साल में ITC जैसी कंपनी ने पिछले एक साल में 15-20% तक की रिटर्न दे दी है, और वहीं अगर आप देखेंगे Zomato, Paytm इन कंपनीज के जो रिटर्न्स हैं वो आधी हो गई है, 50% ये कंपनी रह गई है। तो आधी करेक्शन तो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में मेजरली आ चुकी है, क्योंकि जितनी भी ये कंपनीज हैं वो बहुत ही मेजर करेक्शन यहाँ पर दिखा चुकी है। लेकिन अभी भी आपके पास मौके हैं कि गुड क्वालिटी की कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। ये कंपनीज आपको 10-12% की रिटर्न 2022 में भी दे सकती हैं, जैसे कि वो कंपनीज जो अच्छी कैश फ्लो जनरेट कर रही हैं, वो कंपनीज जो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, ऐसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में इस 2022 में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। बहुत ज्यादा रिस्की कंपनीज में पैसा लगाने का टाइम 2022 नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वो लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे जो मैसेज कमेंट कर रहे थे कि आपने तो बोला
बोला था कि इकोनॉमी स्लो हो रही है और स्टॉक मार्केट तो ऊपर जा रही है, तो आपको ये चीज समझ कर चलना है कि इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट का बहुत ज्यादा डायरेक्ट लिंक इस वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा अलग अलग इस वक्त स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी चल रही है। हम सिर्फ फोकस कर सकते हैं इकोनॉमी के कंडीशन पे, हम ये चीज नहीं बता सकते कि स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, हमें उस पर फोकस करके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।